आप देख सकते हैं कि इसी बीच में श्री कृपा क्षत्रिय समाज क्रिकेट प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ये पूरा रेलवे ग्राउंड में हो रहा है। दिनेश कुमार जी, अविनाश जी के मामा शाह द्वारा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहित के लिए नाश्ता भी देखिए केक बैग लाए हैं। केक सभी को केक वितरण आप हाथों से दो ना। बल्लेबाज ने इस बॉल को समाज के सभी भामाशाह देखें सभी शॉट मारा। ये मुंबई से आया हुए मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो मौज करो रात को आराम करो। क्या कहना चाहोगे जो आज ये खर्चा किया है समाज के लोगों ने? बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट करा रहे हैं, इतने सारे बैनर लगे हुए, कोई ट्रॉफी दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है ना। क्या क्या लग रहा है आपको समाज की प्रगति किस ओर जा रही है? समाज की प्रगति बोलो खाओ। धन्यवाद दो जिन जो खिला रहे हैं उन सबका जो खिला रहे हैं, धन्यवाद। समाज में सहयोग कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब समाज के लोग कुछ गिफ्ट लाते हैं खाने का तो आनंद आ जाता है। मुझे तो आवे है पर तो नहीं दे मैं दर्शन आए दिलशान उनको लंदन छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, दरवाज में खेलते हैं। और इतना ऊंचा खेल था मगर इससे फील्डर ने एक हाथ में पकड़ा होगा, इनका नाम बताएंगे, एक हाथ से कैच लिया गया अपने आप। विनर फील्डर नेम क्या नाम है? अगेन बोल नेम। ओके वेरी गुड नेम, वेरी गुड, बहुत ही शानदार खेल लिया नेम कुमार ने बिना सोचे। कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें कैच पकड़ने में। दूसरी कैच बटेरों को पकड़ने होंगे, आते ही उसको लपेट लिया गेंद को। और इसी बीच हमारे भाई साहब श्री प्रभाजी अंकल जी सोलंकी साहब का स्वागत अभिनंदन। प्रभाजी भाई साहब पधारे साहब स्वागत अभिनंदन। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें आप। नए बैट्समैन नेम नरेश। नए बैट्समैन नेम मोहित। ओके कितना सुंदर सा आयोजन जो है वो रेलवे ग्राउंड में चल रहा है। और सुरेश जी वैसे आप लगातार सुबह से कमेंटिंग कर रहे हैं, लगातार सुबह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं सभी युवाओं का। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। नरेश जी भाई साहब स्वयं प्लेन से आए हैं रेड मुंबई और महाराष्ट्र पुणे की धरती से, ये अच्छी बात है। और लगातार यहाँ पर कोई न कोई हमेशा कुछ न कुछ बच्चों के लिए अल्फार कुछ न कुछ लेके आए। जी भाई साहब पहले आपका परिचय बिल्कुल। भाई साहब मैं सुरेश बड़गुजर श्री पीपा क्षत्रिय समाज उदयपुर क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में भाई साहब श्री डीके न्यूज नवरत्न जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूँगा। इनके साथ ही यूट्यूबर लाइव हमारे भाई साहब गोविंद लाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिवर्ष की भांति हमारे समाज में सभी युवाओं में समाज के भामाशाओं में एक खुशी का माहौल प्रतिवर्ष पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर अन्य क्षेत्र शहरों से 12 टीमें यहाँ आती हैं और 12 टीमों के बीच में मैच का कार्यक्रम समाज के समाज बंधुओं के भामाशाहों के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता है। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा माहौल और स्नेह मिलन जैसा प्रतीत होता है हम सभी युवाओं को, और सभी भामाशाहों का आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। भाई मेरे श्री ये हमारे समाज में अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय समाज सभा के ये महामंत्री हैं जो कि मेरे साथी नरेश पवार, जो कि आज सुबह इस क्रिकेट को अंजाम प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए पुणे से फ्लाइट के द्वारा उदयपुर आए हैं। आपका खूब खूब हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और अगली कड़ी में अपने विचार रखना चाहेंगे श्रीमान नरेश जी पवार। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पधारने वाले सभी अतिथि भी अपने विचार बता दूंगा।
बहुत ही अच्छा समाज का क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। अंकित दिन की क्रिकेट प्रतियोगिता है, पिछले 12 सालों से होती आ रही है। आज लिंग मैच है, कल भी लिंग मैच है, रविवार के दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे, उसके बाद समापन किया जाएगा। तो बड़ा ही प्रसंगिक आयोजन हो रहा है, समाज की जन जागृति और समाज के जो ये छोटी छोटी खुशियों में जो शामिल हो रहे हैं उनके लिए क्या कहना? यही तो खुशियाँ है, यही तो ढूंढने के लिए लोग हम इतने दूर से आए, ताकि वही तो मजा है, ताकि सभी सम्मिलित हो गए। तो नरेश जी भाई साहब सामाजिक धार्मिक हर एक क्षेत्र में, उत्कर्ष क्षेत्र में युवाओं का मनोबल, बुजुर्गों का मनोबल, माताओं का मनोबल, बहनों का मनोबल हमेशा बढ़ाते नजर आते हैं और ये नहीं देखते कि मुझे कहाँ जाना है, सात समुद्र पार जाना हो तो भी नरेश जी भाई साहब तैयार रहते हैं, समाज के काम के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद।